दक्कन सवेरा में आपका स्वागत है। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आज अखंडता एकता दिवस मनाया जाता है, 2-3 किलोमीटर रन CRPF कैंप मुतखेड़ के जवान करने वाले हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होंगे। हम आपको इसकी तफसील जिस तरह इन्होंने रन करेंगे उस रन का पूरा आपको अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। डक्कन सवेरा के लिए अब्दुल रज्जाक, नांदेड़, महाराष्ट्र, CRPF मुतखेड़। डेक्कन सवेरा में आपका स्वागत है। भारत देश के नागरिकों ने भारतीय होने के भावना निर्माण हो, CRPF कमांडेंट लीलाधर महारानिया। आजाद देश के पहले गृहमंत्री तथा लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आज शहर में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CTC में राष्ट्रीय एकता दिवस एवं एकता दौड़ का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा आयोजित किया गया। कुल 3 किलोमीटर दौड़ में बल के सभी अधीनस्थ अधिकारी जवानों ने भाग लिया। जवानों से संबोधन में CRPF कमांडेंट लीलाधर महारानिया ने देश के सभी नागरिकों ने अपने मन में प्रथम भारतीय होने की भावना निर्माण करे, तभी देश की अखंडता, एकता, भाईचारा सहित अन्य प्रकार के मामलों में देश की समृद्धि एवं व्यापक मानवीय विकास संभव होने के बाद कि इस समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लॉरेंस बोडो, उप कमांडेंट पुरुषोत्तम जोशी, डेप्यूटी कमांडेंट रुपेश कुमार, सहायक कमांडेंट जाकी कुमार सहित सभी अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी तथा जवान उपस्थित रहे। डेक्कन सवेरा प्रतिनिधि अब्दुल रजाक, मुतखेड़। जैकी कुमार और श्री रूपेश कुमार सिंह कमांडेंट प्रतिभागी यूनिटी रन के और मेरे मीडिया के साथियों, आपका इस रन फॉर यूनिटी में आज के दिन इस प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज 31 अक्टूबर है, वैसे तो ये आम है, हमेशा होता है। आज के दिन दो विशेष घटनाएं हुई थी। प्रथम घटना की ये कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री स्वर्गीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज जन्मदिन है। और नंबर दो पे 31 अक्टूबर को हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का आज एसोसिएशन डे है या उनकी आत्महत्या की गई। ये तो महत्वपूर्ण बिंदु है। और आप जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की के एसोसिएशन से पहले या उनके डेथ से पहले 31 अक्टूबर को ही CRPF की एनिवर्सरी मनाई जाती थी हर वर्ष। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण हमारे लिए है, देश के लिए है, क्योंकि आज हम हमारे प्रथम गृहमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हम आज जन्मदिन मना रहे हैं। और उनके जन्मदिन को सिर्फ जन्मदिन के रूप में नहीं, राष्ट्रीय एकता के रूप में मना रहे हैं। यानी कि ये भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया है। 70
हम कहें कि इतने साल देश की आजादी के पश्चात भी 72 साल या 75 साल के देश की आजादी के बाद भी हमारे नेता 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, उसके बावजूद भी हमें रन फॉर यूनिटी जैसे कार्यक्रम या एकता दिवस मनाने की जरूरत कहां से आई? यहां देखने वाली बहुत बड़ी चीज कि कहीं ना कहीं हम अपने देश की जो हमारे धरोहर है, हमारे देश की जो अच्छी बातें हैं उनको हम भूल गए हैं। हमारे अंदर कहीं पर राष्ट्रवाद खत्म हुआ, हमारे देश के प्रति हमारी जो सोच है उसमें परिवर्तन नहीं आया है। हम अपने निहित स्वार्थों में कहीं ज्यादा व्यस्त हुए, इसके कारण से आज ऐसे चीजों को हमें बार बार स्मरण करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ये असंभावी है कि जब हम विकास करेंगे तो बहुत सी चीजें नई समस्या उभर के सामने आती हैं, उसमें बहुत सी दिक्कतें भी आती हैं, पर ऐसे में हम देश को या देश के एकता भी नहीं भूल सकते। आप जानते हैं कि इतिहास गवाह है, देश की स्वतंत्रता से पूर्व 15 अगस्त 1947 से पूर्व हमारा देश करीब 600 रियासतों में बटा हुआ था, यानी कि उस देश में